हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज शुरू करते हैं। आपके लिए मैं लेके आई हूँ चॉकलेट केक, जो कि मैंने घर पे बनाई थी। कोई एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ दोस्तों, मैंने ये ट्रायल किया था। केक का स्पंज तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, केक बेक मैं कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन इसकी आइसिंग मैंने एक दो बारी की है, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों के साथ मैंने आइसिंग की तो शेयर भी किया है। तो देखिए, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, पसंद आती हो, या आपको फिर बनाने का तरीका अच्छा लगता हो दोस्तों, तो इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। और अच्छा लगता हो मेरा तरीका तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि देखते तो हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि मेरी और जो नीचे दी हुई जो घंटी है ना, उसको भी दबा दिया करिए बेल आइकन के बटन को, ताकि आपकी मेरी जो जितनी भी वीडियो है, आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग सारी वीडियो को देखते रहे, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे व्यूवर्स हैं सारे, वो देखते हैं मेरी वीडियो, देखते हैं, पसंद करते हैं। इधर देखिए, मैंने स्पंज बनाया था। तो स्पंज तो मैं केक तो मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों, चॉकलेट भी, वनीला केक भी, कोकोनट केक भी। तो उसका स्पंज मैंने माइक्रोवेव में भी बनाया है, गैस पे भी बनाया है, मतलब सब तरीके से बनाया है। तो मैंने ये स्पंज की वीडियो शेयर नहीं की थी, ये तो कभी और आप बताइएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं शेयर करूँगी दोस्तों, स्पंज की वीडियो और अलग से बना दूँगी। तो मैंने चॉकलेट स्पंज बनाया था, ये चॉकलेट केक। इधर ये मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था, ठीक है। बाकी इसको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। शुगर सिरप मैंने दिखाया आपको, चीनी जो मैंने पीसी थी, शुगर मैंने पाउडर दिखाया आपको मिक्सी के जार में, उसको थोड़ा सा 2 चम्मच पानी में घोल लेना है। और बस ये 3 लेयर से मैंने कट कर ली है केक को। इधर शुगर सिरप लगाना है और फिर आइसिंग करनी है क्रीम से, ठीक है। लेयर लगाना है 2-3, जैसे भी आप लेयर लगा पाए। बस मैंने सिंपली आपको दिखाने के लिए दोस्तों वीडियो शेयर की है, ताकि मुझे भी, मेरा मन था कि मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, बना रही हूं तो कैमरा ऑन कर लिया था, बस सिंपली ऐसे ही बैठ के बना रही थी, तो इस तरह से मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आप लोग को अगर मेरी ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो, केक बनाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझे, मैं भी बहुत मोटिवेट होती हूँ। आप लोग अगर लाइक शेयर करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, तो मैं आगे और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूँगी। ये देखिए, मैंने अच्छे से आइसिंग कर ली है इसकी, और मैंने फर्स्ट टाइम पाइपिंग बैग से इसकी जो देखिए डेकोरेट कर रही थी, इसको फ्लावर छोटे छोटे से निकल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, डिज़ाइन बन रही है दोस्तों। मैं ज़्यादा मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं मुझे भी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये कर रही हूँ। ऊपर आइसिंग जो मैंने फ्लावर की है, वैसे तो मैंने आइसिंग क्रीम से वैसे काफ़ी की है, लेकिन जो डेकोरेट करते हैं फ्लावर से पाइपिंग बैग से, वो मैंने फर्स्ट टाइम की है। ये देखिए, बीच में मैंने क्या किया है, ग्रेटर से चॉकलेट को ग्रेट कर दिया है, बहुत छोटा छोटा ग्रेट, महीन महीन किया है ग्रेटर से, बहुत बारीक है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरी वीडियो आप लोग को दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।